हेलो दोस्तों, कैसे हैं? यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी घर में अच्छे होंगे। लॉकडाउन है, घर में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे परिवार के साथ और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताते नहीं हो, पता नहीं चलता आप देखते भी हो कि नहीं देखते। और मैं तो चाहूँगा कि आप देखें, मैं तो आपसे ज़बरदस्ती कहूँगा कि देखें, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और आपने देखा होगा शिक्षक और माता पिता वो तो बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ने का बोलते हैं, बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें। भले ही फिर बाद में बच्चे बोलते हैं, यार ये कैसे मास्टर हैं, कैसे माता पिता हैं, हमारे पीछे पड़े हैं, हमारी जान लेंगे क्या बच्चों की? जब देखो जब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कोई दूसरा काम धंधा नहीं रहता इन लोगों को। आप सोचते हो गए सर को कुछ काम धंधा नहीं है, ले दे के वीडियो डाल देते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि पढ़ो इसको देखो। माय डियर, इसको देखना बहुत ज़रूरी है और है ना। अब बाकी सब बातें बाद में होंगी, चलो ठीक है आज वीडियो देखते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, आपको बताने को भी है। तो इसमें हमने थोड़ा सा वोकैबलरी भी साथ में रखी हुई है, तो उसमें एक फ़ायदा है आपको कि अगर आपको वोकैबलरी या सेंटेंसेस पहले से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अगर आपको पहले से नहीं पता तो आप सीख जाएंगे, पहले से पता है तो रिविज़न होगा और पहले से नहीं पता तो आप सीखेंगे, ठीक है ना। इसी वजह से हमें वीडियो देखना है और वो समय निकालना है कुल मिला के देखने के लिए। आपको कुछ भी काम कर रहे हो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए तो समय दीजिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिश्ता है, अब जो लोग कॉलेज वॉलेज कर चुके होंगे उनके लिए रहता है ना। तो मेरे लिए तुम्हारे मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिश्ता है, तो आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। इस टाइप की बातों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली, दिमाग दुरुस्त करवा अपना। तो जब कोई आपसे बोलेगा तो आप बोलेंगे दिमाग दुरुस्त करवाओ अपना, पहले गेट योर माइंड फिक्स्ड। आप कहोगे अभी तो हमको नौकरी करना है, उसके बाद है। सीता मैं मजबूर था, सीता आई वॉज कंपेल्ड, मैं मजबूर था, आई वॉज कंपेल्ड। जब आप किसी से या कोई आपसे वादा कर लेता है कि हम तो आप ही से शादी करेंगे, तो बाद में पता चला कि फिर बोलते हैं अरे हम तो मजबूर थे नहीं कर पाए, है ना। तो वहाँ आवश्यकता पड़ेगी, सीता मैं मजबूर था। हिबरनेट क्या होता है? ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। हिबरनेट होता है मतलब ये है कि शीत निंद्रा में होना, जैसे कंप्यूटर अपने आप हिबरनेट हो जाता है ना, काफ़ी देर तक जब आप उसमें मूवमेंट नहीं करते हो, हलचल नहीं करते हो, तो हिबरनेट हो जाता है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, कितना अच्छा वर्ड है, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको कैसे समझाऊँ। तरसाने को क्या बोलते हैं? तरसाना होता है टेंटलाइज, टेंटलाइज होता है तरसाना, परेशान करना। पटाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? कजोल, क्या बोले हैं? कजोल्ड, ठीक है। ही कजोल्ड हर इन टू गोइंग अलोन, ही कजोल्ड हर गोइंग इन टू अलोन, मतलब वह उसको अकेले जाने के लिए उसको पटा रहा है, उसको मना रहा है, एक्चुअली मनाना होता है, मनाना कजोल्ड। मूली को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? अब मूली, अब कितने कॉमन वर्ड है, रोज़ सब्जी में सलाद में खाते हो आप, फिर भी मैंने सोचा एक बार दे देता हूँ। रेडिस क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेडिस। मतभेद ख़त्म करो तो क्या बोलेंगे? आयरन आउट द डिसएग्रीमेंट, आयरन आउट द डिसएग्रीमेंट, कितना अच्छा वर्ड है, मज़ा आ गया। आयरन आउट डिसएग्रीमेंट मतलब मतभेद ख़त्म करो, आयरन आउट डिसएग्रीमेंट, फिर से दो तीन बार पढ़ लिया करो मन में। और एक और बात है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पूरा समय दें, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं और वीडियो की स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर वीडियो देखते हैं तो आपको YouTube से संबंधित सब कुछ आना चाहिए। गला बैठ जाने को क्या कहेंगे? हॉर्शनेस, क्या बोलेंगे? हॉर्शनेस। बाद में भी संपर्क रखना तो क्या बोलते हैं? आफ्टरवर्ड, तो क्या बोलेंगे? बाद में, आफ्टरवर्ड। कीप इन टच आफ्टर वर्ड, कीप इन टच आफ्टरवर्ड, बाद में भी संपर्क रखना, ठीक है। जब आपके दोस्त कहीं चले जाते हैं तो आप बोलते हैं, या दोस्ती हो जाती है आपसे, किसी की शादी हो जाती है तो आप बोलते हैं बाद में भी संपर्क रखना। बुरी नज़र, सी हैज़ ईविल आइस, उसकी बुरी नज़र है, अपन बोलते हैं ना उसकी नज़रें ख़राब हैं, वो देख लेती है तो नज़र लग जाती, सी हैज़ ईविल आइस। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे जो है हिंदी, इसको एक्चुअली वो था कि इसको बोलते हैं क्रूअल, ठीक है, पत्थर दिल, शंग दिल या पत्थर दिल। तो पत्थर दिल को हम बोलते हैं अनफीलिंग रैच, या हम ये बोल सकते हैं हार्ट, क्या बोलेंगे? हार्ड हार्टेड, हार्टलेस बोलना चाह रहा था मैं, लेकिन हार्टलेस में तो हृदय ही नहीं होगा, इसे हार्ड हार्टेड बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? हार्ड हार्टेड, ऐसा व्यक्ति जिसमें दिल ना हो, हार्ड हार्टेड, जिसका दिल कठोर हो। अब देखो उसको लुढ़का दिया उसने वहाँ, उसने मुझे ठग लिया। ठगने को बोलते हैं फ्रेंड स्विंडल, आप इसके पहले आप बोलते आए हैं चीट, है ना, उसने मुझे ठग लिया, यहाँ पे बोलेंगे स्विंडल, ही swindled me, उसने मुझे ठग लिया।
कान मत मरोड़िए मिस, कान मत मरोड़िए मिस, ये मैडम जी हैं उसका कान मरोड़ रहे हैं तो वो बोल रहा है डोंट ट्विस्ट ईयर मिस, डोंट ट्विस्ट ईयर मिस। शादी से नफरत करने वालों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंड मिसोगैमिस्ट, क्या बोलते हैं मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट। ये प्रकार की एक गैमी होती है जैसे मिसोगैमिस्ट है ना, जैसे पॉलीगैमी होती है, बहु विवाह प्रथा, और मोनोगैमी होती है एक विवाह प्रथा, बाईगैमी होती है दो विवाह प्रथा है ना, दो पत्नियां रखना, और मिसोगैमिस्ट होता है शादी से नफरत करने वाला, मतलब एक भी शादी नहीं चाहिए उसे, ए पर्सन हु हेट्स मैरिज। इस दाढ़ी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोटी, एक गोट की तरह बकरे की तरह होती है ये दाढ़ी, इसको बोलते हैं गोटी। घुटन वाले मौसम को क्या बोलेंगे दोस्तों, सफोकेटिंग वेदर, सफोकेटिंग वेदर। अब ये भाई इसको इतनी गर्मी लग रही है कि पंखे ही सामने रख लिए, सफोकेटिंग वेदर। वह गटगट पूरी बोतल पी गया तो क्या बोलेंगे, गल्प, गटगट पीने को गल्प बोलते हैं है ना, क्वेफ भी होता है स्विंग भी होता है। ही गल्पड डाउन ए होल बॉटल, मतलब पूरा उड़ेल गया वो, ही गल्प डाउन ए होल बॉटल। अभी ठंड में आप भी पी जाते होगे फ्रिज में से निकाल के, ही गल्प डाउन ए होल बॉटल। क्या कुछ हुआ है, हैज समथिंग हैपन्ड, क्या कुछ हुआ है, हैज समथिंग हैपन्ड है ना। जब कोई दुखी रहता है तो उसे पूछिएगा हैज समथिंग हैपन्ड, इसको जल्दी ठीक करवाओ, गेट इट करेक्ट सून, गेट इट करेक्टेड सून, इसे जल्दी ठीक करवाओ। अगला है मैं जरा बाजार गई हुई थी तो क्या बोलेंगे, आई जस्ट वेंट आउट टू द मार्केट, कितना अच्छा वर्ड है, आई जस्ट वेंट आउट टू द मार्केट। अब किसी ने आपसे पूछा कहाँ गए थे तो जहाँ गए थे वो बताइए, आई जस्ट वेंट आउट टू द मार्केट है ना, कितना अच्छा वर्ड है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, वाई हैव यू ब्रॉट मी हेयर, मुझे यहाँ क्यों लाए हो है ना। जब आप किसी को कहीं ले जाते हैं कुछ दिखाने के लिए, वो बोले कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, आई ओनली हैव अ फ्यू मनी लेफ्ट, क्या बोलेंगे, आई हैव अ फ्यू मनी लेफ्ट, मतलब थोड़े से लास्ट, थोड़े से बचे। क्या हो गया है तुम दोनों को, वॉट हैपन्ड विथ यू वॉथ, वॉट हैपन्ड विथ यू वॉथ, ऐसे वर्ड आपको आना चाहिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। मांग को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों, पार्टिंग, मांग ठीक है, सिर की मांग को बोलते हैं पार्टिंग। वो तुम्हारा क्या लगता है, हु इज़ ही टू यू, वह तुम्हारा कौन लगता है, अपन बोलते हैं ना कि वह तुम्हारा कौन लगता है भाई, बड़ा तुम्हारा उससे बड़ी दोस्ती बड़ा याराना है, हु इज़ ही टू यू। तुम्हें अपनी हद में रहना होगा, तुम्हें अपनी हद में रहना होगा, यू विल हैव टू स्टे इन योर लिमिट, यू विल हैव टू स्टे इन योर लिमिट। जब आप अन्य ससुराली चीज़ों की डिमांड करते हैं तो कोई आपसे बोल सकता है कि यू विल हैव टू स्टे इन योर लिमिट, सबके अधिकार होते हैं। भगवान ना करे तो क्या बोलेंगे, गॉड फॉरबिड, तो क्या बोलेंगे, डिज़ायर दैट गॉड वुड फॉरबिड समथिंग बैड, ठीक है, ऐसी उम्मीद है कि गॉड वुड फॉरबिड समथिंग बैड, कुछ बुरा होगा उसे भगवान रोक देंगे। लौकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बहुत पहले से ही पता होगा आपको, बॉटल गार्ड बोलते हैं दोस्तों, लौकी को बोलते हैं बॉटल गार्ड। अच्छा, उसके बाद जो जिसे आप गिलकी बोलते हो उसको क्या बोलते हैं, तुरई बोलते हैं गांव में, यहाँ पे गिलकी बोलते हैं, गिलकी को क्या बोलते होगे, उसको बोलते हैं स्वीट गार्ड, क्या बोलते हैं स्वीट गार्ड। वो करेले को बोलते हैं बिटर गार्ड, और ये होता है बॉटल गार्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, माई सन हैज़ ग्रोन अप, माई सन हैज़ ग्रोन अप। तो कुल मिला के ऐसे वर्ड जो इजी वर्ड है उनको तो ये याद रखो, बस ग्रोन अप को याद रखो कि बड़ा होना, ग्रो अप का ग्रोन अप। बेवजह मुझ पर गुस्सा हो गया, बेवजह मुझ पर गुस्सा हो गया, वह बेवजह मुझ पर गुस्सा हो गया। ही बिकेम एंग्री एट मी फॉर नो रीज़न, ही बिकेम एंग्री एट मी फॉर नो रीज़न, कितना अच्छा वर्ड है, ही बिकेम एंग्री एट मी फॉर नो रीज़न। इससे आपकी जो भाषा है वो पॉलिश होती है, अच्छी होती है। बाज आ जाओ बोलते हैं ना कि बाज आ जाओ भैया, ले ऑफ तो क्या बोलेंगे, क्विट टीजिंग योर लिटिल ब्रदर, ले ऑफ, क्विट टीजिंग योर लिटिल ब्रदर, ले ऑफ मतलब बाज आ जाओ, कितना अच्छा वर्ड है याद रखना इसको, मतलब अपने छोटे भाई को परेशान करना बंद करो, बाज आ जाओ, ले ऑफ। लालच बुरी वाला, एवरेज इज़ द रूट ऑफ, एवरेज इज़ ए बिग वाइस, एवरेज इज़ द रूट ऑफ ऑल ईविल्स, ये भी कर सकते हैं। मैंने उसके बाद फ्रेजल वर्ब में बताया था आपको, नहीं मैंने आपको idioms के टाइम बताया था, एवरेज इज़ द बिग वाइस बताया था, वहाँ मैंने बताया था एवरेज इज़ द रूट ऑफ ऑल ईविल।
इमली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ना, इमली देख के मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे भी आ गया। टैमरिंड बोलते हैं दोस्तों, टैमरिंड, टैमरिंड इमली, ठीक है, खट्टी रहती है बहुत ज़्यादा। मैं बारिश में फंस गया तो क्या बोलेंगे, आई गॉट स्टक इन द रेन, आई गॉट स्टक इन द रेन, मैं बारिश में फंस गया। फिर बोलेंगे लानत है तुम पर, शेम ऑन यू, तुम पर लानत है। प्यास बुझाने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों, क्वेंच, क्या बोलते हैं, क्वेंच द थ्रस्ट होता है, या क्वेंच तो क्या बोलेंगे, सेटिस्फाई ही इज क्वेंचिंग हिज थ्रस्ट, सेटिस्फाई ही इज क्वेंचिंग हिज थ्रस्ट, सेटिस्फाई थ्रस्ट तो क्या बोलेंगे, ही इज क्वेंचिंग हिज थ्रस्ट, या तो सेटिस्फाई थ्रस्ट को क्वेंच बोल दो या सेटिस्फाई थ्रस्ट बोल दो, तो क्या बोलेंगे, ही इज क्वेंचिंग हिज थ्रस्ट। स्प्रिट, स्प्रिट नहीं है फ्रेंड्स, स्प्राइट है, सॉरी स्प्राइट है, स्प्रिट तो आत्मा होता है, ठीक है, स्प्राइट, स्प्राइट को होता है मतलब, स्प्राइट होता है परी, ठीक है, फेरी होता है, फेरी है ना, फेरी टेल्स, परियों की कहानी सुनते हैं ना, स्प्राइट होता है परी, तो जो आप पीते हो समझ लो आप परी पीते हो स्प्राइट। इन पर बुरे दिन आ गए हैं, दे हैव फॉलन ऑन इविल डेज, जब कोई जेल चला जाता है, जैसे इसमें जो है मुन्ना भाई का हीरो इसमें चला गया संजय दत्त, तो अपन बोल रहे हैं दे हैव फॉलन ऑन इविल डेज। रविवार संडे के अलावा और क्या कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रॉम डोमिनिकस, क्या बोल सकते हैं, डोमिनिकस, इतवार को, सी हैड टू वर्क इवन ऑन संडे, डोमिनिकस फास्ट फीस्ट, डोमिनिकस फीस्ट मतलब संडे की लीव। कल तक इंतज़ार करो तो क्या बोलेंगे, वेट टिल टुमारो, वेट टिल टुमारो, बस यहाँ पे टिल याद करने वाला वर्ड है, बाकी तो टुमारो भी पता है, वेट टिल टुमारो। वह एक जुनून था जो थम गया। अब देखो दोस्तों, जुनून को आप एंथुजियाज़म भी बोल सकते हो, जुनून को क्रेज़ भी बोल सकते हो, जुनून को आप इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, और भी कई वर्ड होते हैं जुनून के, ठीक है, तो यहाँ पे था दैट वाज एन इंटरेस्ट विच स्टॉप्ड, या ये बोल सकते हो दैट वाज अ क्रेज विच स्टॉप्ड, ऐसा भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो दैट वाज एन एंथुजियाज्म दैट स्टॉप्ड। गुल्ली डंडे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अब देखिए वैसे इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ना, वैसे तो आजकल ना कोई खेलता है इसको, फिर भी आना चाहिए, हो सकता है आने वाले टाइम में बच्चों को बताना पड़ेगा कि पहले गली डंडा खेलते थे, है ना, टिप कैट बोलते हैं उसको, ठीक है, टिप कैट बोलते हैं। अ गेम विच अ स्मॉल पीस ऑफ ए वुड इज द टिप्ड और द स्ट्रक विद अ लॉन्ग स्टिक, ठीक है। विद्रोह को क्या बोलते हैं, विद्रोह या विद्रोही, विद्रोह को बोलते हैं रेवेलियन, रेवेलियन, रेवेलियन होता है, ठीक है, रेवेलियन, विद्रोह, अंडरस्टैंड। इसे रिफ्यूजल और एक्सेप्ट सम अथॉरिटी और द कोड ऑफ ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वेंशन, सॉरी ये है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट सम द अथॉरिटी और कोड ऑफ कन्वेंशन, जब लोग मानते नहीं हैं किसी अथॉरिटी की बात को तो वहाँ पे विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। छिलका उतारने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, पीलर, क्या बोलेंगे, पीलर, अ डिवाइस फॉर पीलिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट, तो जो डिवाइस है वो छिलके निकालती है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के। अफरा तफरी को अंग्रेजी में कहते हैं क्योस, क्या बोलते हैं, क्योस, अफरा तफरी मच गई, यह लीजिए टेक इट, बड़ा सिंपल है, वह तो भटक गई, क्या बोलेंगे दोस्तों, वह भटक गई है, सी हैज़ गॉन एस्ट्रे, जब कोई बुरी आदतों में पड़ जाता है या जैसे अपने करियर की भी चिंता नहीं रहती तो हम बोलते हैं वह भटक गया या भटक गई, सी हैज़ गॉन एस्ट्रे। चलो दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, कल आपको अगला वीडियो मिल जाएगा और इनको देखिएगा, लास्ट में हम इसी से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज़ रख लेंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। घर पर रहिएगा, पता है संकट काल है दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं आप बहुत सारी समस्याओं का फेस कर रहे होंगे, आर्थिक संकट भी आया होगा, बहुत से दोस्तों के पास नेट पैक भी नहीं होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सब मार्ग मिलेगा, सब अच्छा हो जाएगा, बस आप तो अपनी तैयारी कीजिए, बस पढ़ाई कीजिए, मुसीबत के बाद ही तो अच्छे दिन आते हैं ना, बस यही मैं कहना चाह रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।